बिल्कुल कुछ नहीं आता। गाइस आपको तीन चार चीजें चाहिए होंगी, तो पहला हेलमेट, अगर आपके पास हेलमेट है तो जरूर पहनो, और यहाँ के पैड्स और हाथ के पैड्स वो बहुत मेन होते हैं, जिससे अगर हम गिरे तो हमारी हड्डी वड्डी क्रैक ना हो। इसलिए बढ़ते हैं पहले फिटिंग सीखने से पहले आपको कुछ चीजों की नीड होगी, जैसे कि मैंने पहन रखा है हेलमेट, ये हाथों के पैड्स और पैरों के पैड्स। गाइस बहुत मुश्किल लगी है ढूंढने में, इसी मुश्किल की वजह से लाइक तो ठोक देना यार, क्या जा रहा है लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस चलो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। टिप नंबर वन, आपको सबसे पहले क्या बैलेंस बनाना सीखना है। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करना है, पहले मैं आपको सपोर्ट के साथ खुशी करना है, आपको पैर ऐसे करना है और नॉर्मल खड़े हो जाना। तो गाइस बहुत से लोग ये करते हैं, पैर ऐसे बैंड रखते हैं जब स्केट्स पहनते, तो पैर बैंड नहीं, पैर एकदम स्ट्रेट रखना और आपको फिर ऐसे ही 5-10 मिनट खड़े रहना है, जिससे आपके पैर स्टेबल हो जाए। टिप नंबर टू है धीरे धीरे से चलना। तो गाइस जब आप ये नए नए पहनते हो तो आपके पैर लड़खड़ाते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं काश हम इतनी तेज तेज से भागते, कुछ सिंपल ही धीरे ऐसे स्टेप बढ़ने धीरे धीरे। जब आपको ऐसे करना है दो तीन दिन तक, अगर आप ऐसे कर लोगे तो आप धीरे चलना भी सीख जाओगे। फिर आप टिप नंबर थ्री की तरफ, टिप नंबर थ्री है जब आप ऐसे ऐसे चलते हो तो उसके साथ आपका हैंड मूवमेंट होता है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि आपका ये राइट पैर है, तो ये राइट पैर है, जब आप इसको ऐसे रखोगे तो गाइस कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे ऐसे चले, ऐसे नहीं चलते। गाइस आपको क्या करना, जब ये पैर हो तो ये हैंड, जब ये पैर हो तो ये हैंड। गाइस ये देखो सिंपल ही, जब राइट पैर होगा तो उसका अपोजिट वाला हैंड होगा, जैसे कि लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड राइट लेग लेफ्ट हैंड, जब होगा तो लेफ्ट लेग राइट हैंड, तो आपको नॉर्मली ऐसे। तो गाइस इससे आप गिर भी सकते हो। तो गाइस देखो लाइन स्केट्स की एक बहुत बुरी डिसएडवांटेज होती है कि वो जब ब्रेक देते हैं वो ना आगे होते हैं और ना साइड में होते हैं, पीछे वो भी एक में होता है सिर्फ। जैसे कि आप देख सकते हो ये साइड जो है, अगर आप जब ब्रेक लगाओ तो ऐसा नहीं आप तेज जाओ ऐसे पाओ करो, नहीं आपको सिंपली ऐसे करना है, बस स्टेप आगे ऐसे हल्का सा अपना पैर ऊपर करना है तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा ब्रेक। तो आप ऐसे आगे जाओ लेकिन जब आप स्केट्स जो मैंने बताया अगर आप सीख जाते हो तो गाइस ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये आप चल रहे हो स्पीड पर गिर जाओ। बिकॉज आपको प्रैक्टिस करती रहनी है डेली डेली, आप 1 month अगर आप अच्छे से स्टेप फॉलो करते हो तो आप 2-3 weeks में सीख जाओगे। बस वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो हेलो गाइस, इट्स योर बॉय एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय सक गेमिंग।